मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। देखिए लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। एक संत होकर के, योगी होकर और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है, जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूँ अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए, और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है। उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पर कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनावों में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है, आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है।